का जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है, अपनों के नामों कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियाँ। बाबू जी आप जानते हैं कि मैं औरतों बच्चों और बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाता, और मैं उस लड़की के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहता था जिससे उसे परेशानी हो। आपने यहाँ इस घर में सबको भड़का रखा है, और वहाँ दूसरी ओर आपकी बहन आकांक्षा, उसने दीना नाथजी को परेशान करके रखा हुआ है। मैंने आज तक बाबूजी का हर सही और गलत फैसला माना, जो उन्होंने कहा मैंने किया, लेकिन बाबूजी हैं कि राज, तुम्हारे बाबूजी जो कुछ भी कर रहे हैं इस परिवार के लिए कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मन में उनके लिए कभी भी कोई गलत ख्याल आए। अरे आकांक्षा बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? तुम्हें जाना नहीं है क्या आज? पापा शनिवार है ना, इसलिए कोर्ट का काम तो होगा नहीं। आज मुझे सिर्फ बस्ती में ही जाना है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर से जाऊंगी। आकांक्षा अगर तू कोर्ट नहीं जा रही है तो मत जाना, घर पे रह के आराम कर आज। नहीं माँ, बस्ती वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी आ जाऊं। आकांक्षा पता नहीं क्यों आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए तुम्हें जाने से मना कर रही हूँ। माँ आप मेरी बहुत चिंता करती हो ना, इसलिए आपको ऐसा लगता है, वरना वहां पर डर वाली ऐसी कोई बात नहीं है। पापा मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट का फैसला बस्ती वालों के पक्ष में ही होगा, क्योंकि उनका केस बहुत मजबूत है। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, और तुमने इतनी मेहनत की है तो उसका फल भी मीठा ही मिलना चाहिए ना। पापा ये बात मेरी मेहनत की नहीं है, बल्कि उन बस्ती वालों की उम्मीदों की है। उनके सर पे छत का सवाल है, तो ये फैसला उनके पक्ष में होना ही चाहिए। अच्छा माँ मैं चलती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दीनानाथ के आदमी बस्ती में आकर कोई हंगामा खड़ा कर दे, और बस्ती के लोग ऐसे ही डर जाएंगे। माँ कोई खतरे की बात तो नहीं है ना आकांक्षा? देखो बेटा अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अपने पापा को साथ लेके जाओ। आकांक्षा अगर ऐसी कोई बात है तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? पापा ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों अपने मन से डर निकाल दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा माँ मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। अच्छा जाओ बेटा। छोटू काहे उदास है, का होएगा? तू तो पूजा से मिलने गया था ना? हाँ दादी मिलने गया था, लेकिन एक ऐसी बात हो गई है अगर आप सुनेंगी तो आपको भी जान के आश्चर्य होगा। कहाँ पता चला है छोटू? आकांक्षा और तृष्णा दोनों सगी बहनें हैं। कहाँ बात कर रहे थे? हाँ दादी, एक वो आकांक्षा है
जिसने बाबूजी के सामने इतनी सारी समस्या खड़ी कर दी है, और दूसरी तरफ तृष्णा, जिसके कारण मेरा और पूजा का रिश्ता टूट गया। मुझे आज पूजा ने बताया दादी, अपूर्व भाई साहब को तृष्णा भाभी ने बहुत कुछ कहा, इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि मेरा रिश्ता पूजा के साथ हो। इतना ही नहीं दादी, उन्होंने अपूर्व भाई साहब को नहीं बल्कि पूजा के मम्मी पापा को भी हमारे परिवार के खिलाफ भड़काया। किसने हमारे बारे में उल्टा सीधा कहा है विशाल? जी वो अरे कुछ नहीं दीनू, विशाल का कहीं से पता चला कि पूर्वा उनके परिवार वालन का हम लोगन के खिलाफ किसने भड़काया है। किसने भड़काया है? अरे और कौन, उनकी बहू कृष्णा, वो सब खेल खेली है। अपनी ननद की खुशी से जलत है ना, थोड़ा बहुत हम लोगन के बारे में पता चल गया है तो नमक मिर्ची लगा के और बता दूँ। और एक बात पता चली है दीनू। वो क्या? अरे वो जो आकांक्षा है ना, जो उन बस्ती वालन को तुम्हारे खिलाफ खड़ा किए है, वो आकांक्षा तृष्णा की सगी बहन है। आप कह रहे हो? सच कह रही हूँ दीनू, हमको तो लागत है कि तृष्णा ने पूजा और विशाल की सगाई जानबूझ के तुड़वाई है। अम्मा, हमें तो लगा था कि कृष्णा इस रिश्ते से खुश है, उसे कोई परेशानी नहीं। अरे बहुत चालाक है तृष्णा। रागनी बतावत रही कि थोड़े दिन पहले बहुरिया को रास्ते में मिली रही और बहुत मीठी मीठी बातें करत रही, और अगले ही दिन रिश्ता तुड़वा दिया। अगर मन से बहुत अच्छी होती तो ये काम करती हूँ। लेकिन शकुंतला ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। जरूर बहुरिया ने उनको घर के बारे में कुछ बताया होगा, तभी डर के मारे तुम्हें कुछ ना बताया। शकुंतला, शकुंतला जी, कुछ दिन पहले तुम तृष्णा से मिली थी। जी उस दिन जब हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो तृष्णा हमें मिली थी रास्ते। क्या कहा था तुमने उससे? कुछ नहीं जी, सिर्फ हालचाल पूछा था बस। हालचाल? तुम्हारे इस हालचाल लेने में विशाल और पूजा का रिश्ता टूट गया। सुकन्या हमारी बेटियां। तुम्हारे इस हाल चाल लेने में विशाल और पूजा का रिश्ता टूट गया। कुछ कह रहा हूं तुमसे, लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बताया उन्हें। मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जब भी बातें करने बैठ जाती हो ना जाने क्या क्या बकना शुरू कर देती हो। लेकिन बाबूजी, विराज, लेकिन क्या? जी कुछ नहीं। तो सुनो, विशाल ने हमें बताया है कि तृष्णा के कारण उसका और पूजा का रिश्ता टूट गया। उसी ने
बबुरुआ को हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। ये सब छोड़ो दीनू, अब कुछ कहे से कोनो फायदा नहीं, जौन होना रहे तौन होएगा। तुम सही कह रही हो अम्मा, अब ये सब छोड़ के हमें ये सोचना चाहिए कि बस्ती कैसे खाली खाई जाए। दीनू तू हमरा के पास वाले मंदिर तक छोड़, जाके पंडित जी से ग्रह नक्षत्र भी चलवाई कि काहे हर कमुआ में इतना अड़चन आवत। सही कह रही हो अम्मा, अब ये सब हमें ही करना है, क्योंकि घर के दूसरे लोगों ने हमारा साथ देने से मना कर दिया है। सुकन्या हमारी बेटियां, बहू बहुत वक्त हो गया, आकांक्षा अभी तक आई नहीं, खाने का वक्त हो चला है। और हाँ, आज तो तुमने उसकी पसंद का खाना बनाया है ना? हाँ माशी। सच्ची बहू, बच्ची पे काम का बहुत बोझ पड़ रहा है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात है। इस काम की वजह से उस पे जो कुछ भी बीता है वो धीरे धीरे भुला रही है। इसी कारण तो मैंने आकांक्षा को ये काम करने दिया। प्रोफेसर साहब, हाँ कहिए, बोल रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, वो आपकी बेटी। क्या हुआ मेरी आकांक्षा को? प्रोफेसर साहब, कुछ लोग उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। कैसे हुआ ये सब? वो सड़क पर तिलक नगर की तरफ जा रही थी,
कि अचानक एक गाड़ी उनके पास आकर रुकी। मुझे तो लगता है कि ये किडनैपिंग हुई है। क्या हुआ? किसका फोन था? बोलिए ना, किसका फोन था? पार्वती, हमारी आकांक्षा को किसी ने अगवा कर लिया। क्या? नहीं, नहीं, मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। कौन था? क्या हुआ मेरे बच्चे को बताइए। संभालो पार्वती, अपने आप को संभालो, हमारी आकांक्षा को कुछ नहीं होगा। भगवान पे भरोसा रखो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी आकांक्षा चाहिए, अब चाहिए। देखो पार्वती, तुम फिक्र मत करो, मैं भी जाकर लेकर आता हूँ आकांक्षा को। माँ, तुम पार्वती का ख्याल करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी आना। पार्वती, तुम चिंता मत करो, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी मेरी बेटी, तुम भगवान पे भरोसा रखो। मैं मर जाऊंगी मेरी बच्ची। सुनो, कुछ नहीं होगा, हमारी आकांक्षा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुकन्या सुकन्या हमारी बेटियां। आखिर लड़की को होश आ ही गया। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आखिर क्या चाहते हो तुम लोग? चुप। समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा तुझे, समझे? तुम क्या सोचते हो, मैं इस तरह से डर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। जाकर कह दो अपने दीनानाथ सेठ से
कि आकांक्षा की जब तक आखिरी सांस भी चल रही है ना, वो तब तक लड़ती रहेगी, समझे? चल। सोच रहे हैं कि दो तीन दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं, काफी दिन हो गए पिकनिक गए हुए भी, और इसी बहाने पूजा का भी दिल बहल जाएगा, पुरानी बातों को भी भूल जाएगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, यहाँ से दूर जाने के बाद पूजा को सोचने का समय मिलेगा और साथ ही सही और गलत निर्णय लेने में आसानी भी होगी। बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कल्याणी हम लोग ऐसा करते हैं ना कि दीपक भाई साहब के परिवार को भी साथ ले चलते हैं। अरे भाई पिकनिक में जितने ज्यादा लोग रहते हैं उतना ही अच्छा लगता है। हेलो कृष्णा, कृष्णा बेटा क्या हुआ दादी, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा को क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आज दोपहर से आकांक्षा का कोई पता नहीं चल रहा, उसे ढूंढने गया है। तुम जल्दी आ जाओ बेटा। दादी हम अपूर्व को लेकर अभी आते हैं, आप बस माँ को संभालिए, हम जल्दी ही आते हैं। माँ जी बोलो क्या हुआ? माँ जी आकांक्षा, आकांक्षा, अरे क्या हुआ आकांक्षा को? माँ जी आकांक्षा को किसी ने अगवा कर लिया, घर पर सब बहुत परेशान है, हमें अभी जाना होगा घर पर। हाँ हाँ दुल्हन हाँ जाओ, और अपूर्वा को साथ में ले जाना, तुम दोनों जाओगे ना तो उन लोग को अच्छा लगेगा। बेटा एक काम करो, तुम तुरंत चली जाओ और अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करना, हम लोग तुरंत वहां जाएंगे। ठीक है बाबूजी, हम चलते हैं। क्या जमाना आ गया, दिन दहाड़े। मत पूछिए। बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना, सुकन्या सुकन्या सुकन्या।